नेक्स्ट है हमारा, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमारे पास पॉलीनोमियल है 4x² - 8kx - 9। अगर मैं इसको बेसिकली कंपेयर कर लूँ ax² + bx + c से, ax² + bx + c से अगर कंपेयर कर लूँ, तो a आ जाएगा 4 के बराबर, b आ जाएगा -8k के बराबर, b आ गया -8k के बराबर, और c आ जाएगा -9 के बराबर, c आ जाएगा -9 के बराबर। ए बी सी, ये हमारा आ गया ए बी सी। अच्छा, ये निकाल के रख लिया। ये अपोजिट साइन का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ 1 के 0, देखो एक होता रेसिप्रोकल, एक होता अपोजिट साइन, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन होता है तो अल्फा इक्वल टू अल्फा लिखते हैं और बीटा 1/अल्फा लिखते हैं। अगर इक्वल इन अपोजिट साइन का मतलब ये होता है कि अगर आपने अल्फा अल्फा लिया तो बीटा को आपको -अल्फा लेना है। क्या लेना है? बीटा को लेना है -अल्फा। तो कितना आंसर आएगा इसका? कुछ लोग 0 लिख रहे हैं, कुछ लोग 9/2, देखते हैं कितना आ रहा है। और इस वाले में हम लोग अप्लाई करते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या अप्लाई करते हैं? अल्फा प्लस बीटा। चलो अप्लाई करो, ओके मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस बी कितना है? माइनस का 8k, ए कितना है? 4। अल्फा बीटा कितना है? माइनस अल्फा। तो ये 0 हो गया, ये 8k अपॉन 4 हो गया, 4 से डिवाइड करा तो 0 = 2k आ गया, तो 0 अपॉन 2k, तो k के लिए क्या आ जाएगी? फाइनली 0 आ जाएगी। क्या k हमारा 0 आएगा? क्योंकि 0 अपॉन समथिंग 0, 0 अपॉन समथिंग 0 आएगा। ठीक है, महेंद्र ने आंसर दे दिया, क्या बात है। तो महेंद्र का आंसर आ गया और यहाँ पे आंसर आएगा k बराबर 0 आएगा। क्या आएगा आंसर? k = 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।